Mr. Faizu. I don't think he need any kind of introduction. You have been in Khatro Ke Khiladi. Yes. You enjoyed it? I enjoyed a lot. So I feel like there were so many things that you did. So fitness was really important, right? Yes. So how did you manage, right? Were you regular with your gym and everything? Yes, मैं regular था और मैंने ऐसा कोई भी एक दिन नहीं था जहाँ पे मैंने अपना gym skip किया. Why you think fitness is your priority in that way? क्योंकि ऐसा है कि मतलब हमको रेगुलर बेस पे स्टंट करना पड़ता था और फिर उसमें ये था कि मतलब आज अगर एक दिन मैं स्किप करता हूँ तो मुझे पता है कि अगर मैंने एक दिन स्किप किया तो हर जिम लवर को पता है कि एक दिन स्किप करने के बाद नेक्स्ट डे खुद भी मन नहीं होता है जिम जाने का. बिल्कुल. तो मेरा भी एक ये था बट मेरी ये स्ट्रैटेजी थी कि मतलब मैं अगर अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा फिट रखूँ और ज़्यादा ध्यान दूँ अपने फिटनेस पे तो हो सकता है कि जो फिजिकल स्ट्रेंथ वाले स्टंट हो मेरे लिए थोड़ा आसान है. किस्मत का खेल है सारा, फिर कहाँ था मैं आवारा, ये क्या से क्या हो गया. चार दिन की जिंदगानी, हर पल एक नई कहानी, क्या था मैं क्या बन गया. क्या हुआ जो नारी छूटी, जीवन की गाड़ी टूटी, ख्वाब है तो मुझको ना जगा. कैसे बताए क्यों तुझको चाहे यारा पता ना पाए. बातें दिलों की देखो जो बाकी, आंखें तुझे समझ आए. तू जाने ना बनाया तुम्हें नींदों में बुलाया तुम्हें. मैंने पाया तुम्हें, रब ने मिलाया तुम्हें, होठों पे सजाया तुम्हें.